दुर्ग निवासी राजेंद्र सिंह को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा दिल्ली में आयोजित पूसा कृषि विज्ञान मेले में कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कृषक इनोवेटिव पुरस्कार से नवाजा गया है, जिसकी जानकारी प्रगतिशील कृषक राजेंद्र सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान न्यूज टीम को दी है। भिलाई शहर से आते हैं और इनका जो मत्स्य पालन है, मुर्गी पालन है, बत्तख पालन है और खास करके जो पशु हैं उनके लिए चारे फसलों पे इनका काफी अच्छा काम है। इन्होंने जो देसी मुर्गी है 200 कड़कनाथ और सोनालिका पोल्ट्री तथा 20 सफेद हंस का ये पालन करते हैं। साथ ही मछली में तिलपिया, भारतीय कार्प और पंगेसियस मछलियों का भी ये पालन कर रहे हैं। हमारे अगले किसान जो दिल्ली से हैं श्री सुरेंद्र कुमार जी। एक्चुअली ये जो है ये ऑल इंडिया लेवल पे हर साल जो ICAR है, इंडियन इंस्टीट्यूट रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसका एक पूसा मेला, विज्ञान मेला होता है और उसमें हर राज्य से जो इनोवेटिव फार्मर्स हैं जिन्होंने कुछ नया किया है खेती में उनको बुलाया जाता है। और इसमें कामधेनु विश्वविद्यालय ने हमें, मुझे छत्तीसगढ़ से रिप्रेजेंट करने के लिए भेजा था और मेरा जो मॉडल है जिसमें कि मैं हरे चारे की खेती करता हूँ और उसमें जो नई टेक्निक्स हैं उसके लिए मुझे ये अवार्ड दिया गया कि भाई आप जो सिंपल प्रोडक्शन मेथड्स हैं जिसमें लोग खेती कर रहे हैं उससे ज़्यादा आप काम अच्छा कर रहे हैं, इसके लिए मुझे ये अवार्ड दिया गया। हरे चारे की बात करें तो 12 महीना इस बात को पॉसिबिलिटी मुझे अभी भी नहीं लगी, लेकिन आपने बताया कि मैं डिवाइड कर देता हूँ 4 महीने से, क्या कुछ कैसा प्रोसेसिंग रहता है इसका? इसमें ऐसा है कि अलग अलग वैरायटी के हरे चारे आते हैं, जैसे कि अगर आप देखें एक नेपियर ग्रास आता है, एक ज्वार आती है जो कि गर्मी के दिनों में होती है, एक गर्मी में भी हो जाती है, बरसात में भी हो जाती है, मगर ठंड में कम होती है, तो ठंड के लिए हम बरसीन में चले जाते हैं और मकई में चले जाते हैं। और उसके अलावा हमारे पास हमारा इतना एक सेटअप है जिसमें कि हम 4000 टन जो हरा चारा है वो स्टॉक कर सकते हैं और उसको प्रोसेस करने का हमारा यूनिट लगा हुआ है जिसमें पैकेजिंग यूनिट अलग है और स्टोर करने का एरिया अलग है। इसमें हम जब एम्पल सीजन में जैसे आपका बरसात ख़त्म हुई, हमारे पास 200 एकड़ का चारा तैयार हुआ, हमने उसको काट के स्टोर कर लिया, फिर हम उसको धीरे धीरे यूज़ करते हैं, उसको यूज़ भी कर सकते हैं और बेचते हैं।